फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमन जैन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने कंटिन्यूस ग्रोथ की है। ये आप देख सकते हैं 2015 में 190-200 के करीब चलता था और कंटिन्यूस ये स्टॉक ने मल्टीबैगर रिटर्न देते हुए 4000 के भी ऊपर गया और आज फिर एक ऐसे लेवल पे आया है जहाँ पे एक आप लेने की सोच सकते हैं थोड़े थोड़े स्टॉक्स। तो इसका अगर आप एक साल का भी चार्ट देखेंगे तो थोड़ा गिरावट, एक बॉटम बनाया है 1200 का, उसके बाद ये स्टॉक जो है एक बाउंस बैक किया। तो यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे तो आज भी लगभग 8-9% ये स्टॉक चढ़ा था और ये कंपनी है वेंकीज लिमिटेड, 1604 के ऊपर क्लोजिंग थी इसकी और इस कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है जो कि 8 रुपये का है। और इसका रिकॉर्ड डेट क्या होने वाला है उसी के बारे में हम बात करेंगे, ताकि अगर आपके पास स्टॉक है तो आप किस दिन तक होल्ड करेंगे ताकि आप एलिजिबल रह सकें। तो इसका अगर आप 52 वीक लो देखेंगे तो 1135 का बनाया और लो बनाते ही आज अगर आप देखेंगे 1600 मींस लगभग 400-500 रुपीज़ प्लस में है। इसका 52 वीक हाई 2954। तो लोअर रेट्स पे लेने की कोशिश करिए थोड़े थोड़े स्टॉक्स, ऐसा नहीं कि एक साथ ले लें, थोड़े थोड़े स्टॉक्स लें ताकि फिर ऊपर आता है तो प्रॉफिट बुक करके फिर नीचे लेने का मौका मिले, या लॉन्ग टर्म के लिए भी आप देख सकते हैं। लेकिन ऐसे मार्केट में जो सेंसेक्स निफ्टी एकदम ऊंचाई के ऊपर है तो शॉर्ट टर्म का नज़रिया रखें, एवरी मार्केट अपवर्ड मूवमेंट के अंदर प्रॉफिट ज़रूर बुक करें। तो इसका अगर आप देखेंगे, छोटी कंपनी है, 2261 करोड़ का मार्केट कैप है, 10 रुपये का फेस वैल्यू है, 80% का डिविडेंड भी इस कंपनी ने दिया जिसका रिकॉर्ड डेट नज़दीक है। तो उसका मैं आपको डिटेल्स भी दिखाता हूँ। और ये एक पोल्ट्री फार्म कंपनी है जिसके काफ़ी सारे ब्रांचेस भी खोल रखा है। इसके अगर आप फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, जून क्वार्टर के अंदर 913 करोड़ का टोटल इनकम था, मार्च में 838, और नेट प्रॉफिट इनका निकल के आया था 61 करोड़, और उससे पहले 29 करोड़। तो ग्रोथ आप देख सकते हैं रही है, लेकिन बीच में अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट्स में फ़र्क आ रहे थे, उसी के कारण जो है डाउन ट्रेंड ये स्टॉक है। ऐसा नहीं कि ये स्टॉक, दूसरे काफ़ी स्टॉक्स है जो भी, इसका अगर आप रेशो देखेंगे तो एवरी ईयर कंपनी डिविडेंड देते ही है 80% का, 50% 80% जो हिसाब से इनके प्रॉफिट्स आ रहे हैं। और इसका अगर आप देखेंगे बोनस इशू कंपनी ने लगभग 3 बार किया है, 2015 में, 2001 में और 1989, तो काफ़ी पुरानी कंपनी है। तो इसका मैं NSE के ऊपर ले जाकर आपको दिखाता हूँ कि रिकॉर्ड डेट क्या है। तो ये आप देख सकते हैं नीचे से 6 नंबर, वेंकीज इंडिया लिमिटेड, इन्होंने 80% का डिविडेंड डिक्लेयर किया जो कि 10 रुपये के ऊपर होता है, और 8 रुपये का डिविडेंड आपको मिलेगा अगर आपके पास शेयर्स हैं, या अगर आप लेते भी हैं तो भी आप एलिजिबल रह सकते हैं। तो 19 सितंबर 2019 जो है एक्स डेट है, और 21 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक रिकॉर्ड डेट है। तो आपको होल्ड करने पड़ेंगे 27 सितंबर तक, उसके बाद भले आप बेच दें तो भी आप एलिजिबल रहने वाले हैं। तो ये एक रिकॉर्ड डेट है इसी के बीच में, तो आपको ये ध्यान में रखने हैं डेट्स अगर आपके पास है, या अगर आप लेना भी चाहते हैं तो आपको कम से कम 19 सितंबर के 2-3 दिन पहले लेना पड़ेगा ताकि आप एलिजिबल रह सको। तो आज इसी के बारे में बोलना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, थैंक यू।